जिन भी बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं उनकी तरफ से एक क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है कि सर मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, क्या मेरे लिए भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी की पॉसिबिलिटी बची है या मैं अपने आसपास के डिग्री कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लूं। सीयूईटी जैसे एग्जाम में जहां पर 261 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है, वहां पर अगर आप यह सोचोगे कि आपका एडमिशन नहीं होगा, यह बहुत गलत बात है। बस जरूरत है एक सही स्ट्रेटजी की। मैं एक लाइन में आंसर करता हूं ऐसे बच्चों को कि अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस में आलसी नहीं होते हो, वहां पर अगर आपने आलसपन नहीं दिखाया, तो निश्चित तौर पे आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही होगी। उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना होगा, एक प्रॉपर तरीका होगा, उसके थ्रू आपको काउंसलिंग प्रोसेस को पूरा पूरा फॉलो करना होगा। आज मैं इस वीडियो में उन्हीं स्ट्रेटजीज के बारे में बातचीत करूंगा, लेकिन आज मैं किसी कोर्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं एक ओवरऑल एक जनरल स्ट्रेटजी बातचीत करूंगा। फिर इसके बाद के वीडियोस में मैं कोर्स वाइज उन्हीं स्ट्रेटजीज का आपको यहां पर प्रोसेस या प्रोसीजर या आपको मैं कहूं कि उसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको दूंगा। आज तो मैं आपके लिए समझिए कि एक तरीके से मैं क्वेश्चंस खड़ा कर दूंगा कि आपको ये करना है, ये ऐसे करना है, लेकिन उनका सोल्यूशंस हम आपको देंगे। जैसे आप अपनी तैयारी के दौरान अक्सर देखते होंगे कि आप पहले एक प्लानिंग बनाते हो कि इन चैप्टर्स को ऐसे पढ़ना है, इनको ऐसे पढ़ना है, इनके न्यूमेरिकल्स लगा लेने, ऐसे ऐसे अपना एक स्ट्रेटजी बनाते हो, फिर आप उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करना शुरू करते हो। वही काम आज के इस वीडियो में होगा। आज मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी ले सकते हो अपने कम स्कोर पे भी। शुरुआत करेंगे इस वीडियो में हम लोग। सबसे पहले मैं आपको, जैसा मैंने कहा, मैं आपको कुछ पॉइंट्स के थ्रू बातचीत करूंगा। सबसे पहला काम इस स्ट्रेटजी का सबसे पहला बेसिक पॉइंट होगा कि आपको अपने लिए 20 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। अब वो 20 यूनिवर्सिटी आप अपने कोर्स के रिगार्डिंग चूज करेंगे, उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए वो ध्यान सुनिए। सबसे पहली बात, आप जो भी यूनिवर्सिटीज को चूज करोगे उसकी एलिजिबिलिटी को चेक करोगे, क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो। पता चला उसने कुछ ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी कि आप एलिजिबल ही नहीं हो पा रहे हो, तो इसके लिए आपको पहली बात तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करनी होगी। दूसरी चीज, सीयूईटी के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो किन किन सब्जेक्ट के मार्क्स को यहां पर जोड़ने वाला है। सपोज करिए आप साइंस के स्टूडेंट हैं, वो जनरल टेस्ट का मार्क्स जोड़ेगा, आप जनरल टेस्ट का पेपर ही नहीं दिए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। कितना मार्क्स पाए हैं ये मैटर नहीं करता है, लेकिन पेपर में अपियर होना बहुत जरूरी, नहीं तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो सीयूईटी की रिक्वायरमेंट्स आपको चेक करना बहुत जरूरी हो जाएगा। अब इस 20 यूनिवर्सिटी में आपके यहां पर सारे प्रकार की यूनिवर्सिटी जाएंगे, जैसे यहां पर आपकी सेंट्रल हो गई, स्टेट हो गई, डीम्ड हो गई, प्राइवेट हो गई, सारी यूनिवर्सिटी जाएंगे। अब हम कैसे, कितने सेंट्रल चूज करें, कितने स्टेट, कितने डीम्ड, कितने प्राइवेट, ये क्या हमारा यहां पर प्रोसीजर होगा। अब ये कोर्स टू कोर्स चीजें वेरी कर रही होंगी, वो सारे सॉल्यूशंस हम तो प्रोवाइड कर देंगे, हर एक कोर्स वाइज हम बातचीत कर लेंगे, लेकिन ध्यान सुनिए मेरी बातों को पहले। यहां पे सबसे पहली चीज, आपको ये पता होगा कि हमको यूनिवर्सिटीज को चूज करने का क्राइटेरिया क्या होगा। सबसे पहली चीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता, कोई इशू नहीं, कोई रिजर्वेशन का वहां पर हम कह सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटीज में आएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। स्टेट यूनिवर्सिटी में अपने स्टेट के बच्चों को रिजर्वेशन मिल रहा होता है, उन बच्चों को बेनिफिट मिल रहा होता है, तो इसलिए आप अपने स्टेट की यूनिवर्सिटी के बारे में देखेंगे, पता करेंगे कि आपके स्टेट में कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी बेटर है जो कि सीयूईटी में है, उनकी लिस्टिंग करके आपको उनको अरेंज करना होगा अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटीज की लिस्टिंग हम आपको करके दे देंगे, उसमें से आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम से आपको सारी बातें बताएंगे, बाकी वहां पर अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आपको चूज करना होगा। लेकिन आप अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी भी चूज कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि बस केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही रख लेंगे, कई ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से अच्छी हैं। सीयूईटी की यही तो बहुत बड़ी खासियत है, यहां पर चीजें जैसे दिखती हैं वैसी है नहीं, आप अंदर जाओगे चीजें बहुत अलग हैं। ऐसी कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहां जिनसे आपका कोई मतलब नहीं, कहने को कितने भी जाओ 4500-5000 कोई मतलब नहीं आपके लिए, आपके लिए बहुत सेलेक्टेड होंगे जिनसे आपको मतलब होगा। दूसरी चीज, यहां पर आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपने स्टेट यूनिवर्सिटी चूज करेंगे, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटस जान रहे होंगे कि आप कितनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग आप यहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज करेंगे। ऐसा नहीं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बेकार होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, अच्छी होती हैं, इवन आपके सेंट्रल और स्टेट जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे कई अच्छी, कई गुना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अच्छी हैं, लेकिन वहां पर आपके फीस का दिक्कत पड़ेगा आपको। वहां पर
अब अगर आप फीस में आपके लिए सहूलियत है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को रखोगे। अगर आप फीस नहीं दे सकते तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अपने लिस्ट में नहीं रखेंगे। तो आप अपनी हायरार्की बनाएंगे कि सबसे पहले सेंट्रल, देन आपकी स्टेट डीम्ड, देन आपकी यहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ऐसे आप यहां पर 20 यूनिवर्सिटी चूज करेंगे अगर आपके मार्क्स कम है, थोड़े बहुत ज्यादा कम है तो 25 यूनिवर्सिटी, 27 यूनिवर्सिटी, इतने तक आप अपनी यूनिवर्सिटीज के लिए एक चूज करेंगे। जब आप इन यूनिवर्सिटीज को चूज करके एक लिस्टिंग करके रख लेंगे, उसमें ध्यान देंगे उन सभी यूनिवर्सिटीज में आप एलिजिबल रहे, सारी सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स को आप पूरी करके रख रहे हो, यह बहुत मैंडेटरी है। 20 यूनिवर्सिटी कम नहीं होती, 20 यूनिवर्सिटी मोर देन सफिशियंट है। अब अगला स्टेप आपका यह होगा कि इन 20 यूनिवर्सिटी के आप काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग शेड्यूल से आप एकदम अवेयर रहेंगे। आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि इसकी काउंसलिंग अब होने वाली है, इसका ऐसा प्रोसेस है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना प्रोसीजर है, अपना अपना तरीका है। तो आपको वो वहां पर पूरा शेड्यूल पता होना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस पता होने चाहिए, और वो सारी चीजें भी हम आपको यहां पर गाइड कर रहे होंगे, हम आपको बता रहे होंगे कि किस तरीके से किस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग को आपको करना है। मैंने बोला ना, सिर्फ आलसी नहीं रहना है आपको, सारा सलूशन हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उस सलूशन को देखना, इंप्लीमेंट करना आपको करना होगा। कोई आपकी काउंसलिंग तो आके कर नहीं देगा, हम ऐसा तो है नहीं कि हम आपके आके काउंसलिंग आपके कर देंगे, ये तो कभी होगा नहीं, आपको भी पता है। तो करना तो आपको पड़ेगा, लेकिन आप सीख सब कुछ सकते हो, पूछ सब कुछ सकते हो। तो आप उसके काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग शेड्यूल से अवेयर रहेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं, समझा देता हूं, एक बात सुनिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलता है कि इस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग आई और चली गई। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आपको सच बात बता रहा हूं। अच्छे मार्क्स होने के बावजूद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग आके चली जाती है, तब उनको होता कि अब इस यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कब हो, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी आपको आके आपको बताएगा थोड़ो ना। सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि आपको मेल मैसेज कॉल करती हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपको कॉल करेगा ही नहीं, बताएगा ही नहीं आपको कि हमारी काउंसलिंग शुरू हो गई है। वो बताने का काम तो हमारा होगा, हम आपको बताएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप तो यही होता है, तो फंस जाते हम तो यहां पर सबसे बड़ी बात। अब दूसरी चीज, यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग में आपको यहां पर लास्ट स्टेप तक रुकना होगा। जैसे कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज की अगर हम बातचीत करेंगे, जैसे मान लीजिए BHU की बात किया मैंने, DU की बात किया, AU की बात किया, यहां सब भी आपकी पॉसिबिलिटीज बन रही होंगी, लेकिन उसके लिए आपको लास्ट राउंड तक, मॉप अप स्पॉट राउंड तक वेट करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे राउंड्स की काउंसलिंग में अक्सर ऐसा हो जाता है, क्योंकि सबसे लास्ट में हो रहा होता है, बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को इनरोल्ड करा चुके रहे होते हैं। अगर आप वहां तक वेट कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए ऑप्शंस बनेंगे। अब वहां मैं आपको एक कहानी बताता हूं, पिछली बार की कहानी है BHU की। इनके काउंसलिंग प्रोसेस में डिले होना लगा। अब डिले होते होते इनका जो मॉपअप राउंड है वो इतना डिले हो गया कि तब तक ऐसा था कि मैं आपको बताऊं कि हम लोग जैसे कि नए बैच की जो पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो ऑफलाइन में ऐसा हो गया था कि महीने डेढ़ महीने से ज्यादा हम लोग बच्चों को पढ़ा चुके थे। अब उसमें से सीधी सी बात है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, उसमें कई बच्चों ने CUT ऑलरेडी दिया हुआ था। जो कट ऑफ रेगुलर राउंड की लास्ट वाली कट ऑफ थी और मॉपअप राउंड में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ, उनमें इतना लार्ज डिफरेंस था ना कि आपको मैं बता नहीं सकता। मेरी अपनी क्लास से मैं बताऊं, ऑफलाइन की बात कर रहा हूं, ऑनलाइन में छोड़ दे रहा हूं, वहां तो भीड़ बहुत होती है। करीब साइंस की बात कर रहा हूं, अभी जहां पर नंबर ऑफ सीट्स BHU में कम है, साइंस की मैं बातचीत कर रहा हूं। 6 ऐसे बच्चे थे जो कि चले गए, वो तैयारी कर रहे थे 2024 के लिए, 2023 में उनको BHU मिल गया, डेढ़ महीने कोचिंग करने के बाद मिला। अब आप सोच लीजिए, ये होता है मॉपअप राउंड का फायदा। लेकिन उसके लिए क्या था, मात्र 1-2 दिन उनमें समय मिलता है रजिस्ट्रेशन का, अब पेमेंट की जो लिंक आएगी वो मैक्सिमम 24 घंटे के लिए अवेलेबल होती है। तो अब ये सब कब कर पाओगे, जब आप अवेयर रहोगे तब ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आया कब गया, तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड, इसी तरीके से DU का स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होती है। लास्ट में कई ऐसे कोर्सेज होते हैं, कई ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें बच्चे नहीं आए रहते हैं, तो वहां पर आपके चांसेस बन जाते हैं। सीधी सी बात है कि आपको कॉलेज और कोर्स से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा, अभी मैं इसके बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूं। दूसरी चीज, यहां पर आपको एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में बहुत अवेयर रहना है।
जैसे अगर मैं बातचीत करूं कि BHU में एफिलिएटेड कॉलेज की बात करें, AU के एफिलिएटेड कॉलेज की बात करें, DU में तो कॉलेज ही कॉलेज बहुत सारे हैं। अब अगर मैं पर्टिकुलरली BHU AU की बातचीत करता हूं तो यहां पर क्या हो जाता है कि सबसे खासकर अगर इसमें BHU की बात करें फीमेल्स कैंडिडेट के लिए, वैसे तो मैं मेल के लिए नहीं बोल पाऊंगा, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है, आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं। और खासकर ये मैं BA कोर्सेज के लिए बातचीत कर रहा हूं, बाकी BSc कोर्सेज में ऐसा नहीं हो पाता, BCom में थोड़े बहुत आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, BLLB में तो है ही नहीं ऐसा। सेम अगर हम बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के केस में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी केस में भी एफिलेटेड कॉलेजेस में बहुत कम नंबर पर एडमिशन हो रहा होता है। इवन कुछ ऐसे कॉलेजेस के कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर डायरेक्ट एडमिशन होता है बिना CUET के। इवन आप विश्वास नहीं करोगे, कुछ ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो कि बहुत अच्छी हैं, वहां पर डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं कि आप CUET नहीं भी दिए हो, या आप CUET दे के सिंपली उनके यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन आपने करवाया है, सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को वो कॉल कर लेते हैं। और इनमें आपकी गुरु घासीदास, आपकी सागर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरसिंह गौर सागर यूनिवर्सिटी, वो तक इसमें शामिल है, आपके सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुला लेते हैं। तो कहानियां कुछ ऐसी भी होती हैं, हम जानते नहीं हैं, तो उसके बारे में आपको अवेयर रहना है। दूसरी चीज, प्रिफरेंस लिस्ट और प्रोग्राम। सबसे बड़ी समस्या तो यहां पे आती है कि जब प्रिफरेंस लिस्ट भरना होता है, जैसे DU में आएगा आपका कि आपको अपने प्रिफरेंसेस भरने होंगे, अब वहां पर प्रिफरेंसेस भरने में ना, जैसे मान लीजिए अवेलेबल प्रिफरेंसेस हैं 200, अब इसमें क्या होता है ना, इतने बड़े आलसी होते हैं कि कौन इतना समय देगा, 10 प्रिफरेंस भर के छोड़ देते हैं। अरे 10 प्रेफरेंस, 20 प्रेफरेंस, लिमिटेड प्रेफरेंस उनको भरना है जिनके स्कोर अच्छे हैं, जिनके स्कोर कम हैं उनको मैक्सिमम प्रेफरेंसेस भरने हैं। BHU में आएगा कि सारे सब्जेक्ट की प्रेफरेंसेस भरिए, 4 सब्जेक्ट की प्रेफरेंस भर के छोड़ देते हैं, पहले पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये भूल जाते हैं कि वो आपके लिए है ही नहीं, आप बाकी सब्जेक्ट्स पे अप्रोच मारो, वो आप भर ही नहीं रहे हो, तो मैक्सिमम प्रेफरेंसेस आपको भरने होंगे। आपको DU के सभी कॉलेजेस भरने हैं, आपको कोई भी कॉलेज मिले बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि DU की डिग्री, दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, ये नहीं कि हम भरेंगे ही नहीं, हम जाएंगे तो DU के नॉर्थ कैंपस में अच्छे कॉलेज जाएंगे, नहीं तो नहीं है पढ़ेंगे, ये कोई बात नहीं है। आपको सारे कॉलेजेस भरने होंगे DU के, और उसके लिए लगेगी मेहनत, प्रॉपर 2-3 दिन आपको लगेंगे, आपको मेहनत करना होगा, 2-3 घंटे 4-4 घंटे बैठना होगा। ये आलसी अगर बने तब तो फिर CUET में कुछ नहीं होगा, आप काउंसलिंग प्रोसेस में भी अच्छा नहीं कर पाओगे, और अंततः आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको यह पता होना चाहिए कि वहां पे अगर DU की बातचीत करें तो वहां पे BA ऑनर्स है तो BA प्रोग्राम भी है, BSc ऑनर्स है तो BSc पास, BSc प्रोग्राम के भी कोर्सेज हैं। आप BA प्रोग्राम में एडमिशन लोगे तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। अब NEP आ गया है, NEP में आप चाहोगे तो BA प्रोग्राम करते हुए आप एक सब्जेक्ट में मेजर की डिग्री भी पा सकते हो, वो भी आपके पास ऑप्शंस हैं। अब चीजें अलग हैं, कहानियां अलग हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऑनर्स में नहीं मिल पाएगा आपके स्कोर पे, तो BA प्रोग्राम के सारे कॉम्बिनेशन को भरें, 183 के लगभग आपके BA प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन हैं, आप भरोगे ही नहीं 183, वो छोड़ो आप 20 भर दो बहुत बड़ी बात, आप भरते ही नहीं हो, ये मैं देखा हूं ना तब मैं आपको बता रहा हूं। हम कहते कहते परेशान हो जाते हैं कि भैया सारे कॉम्बिनेशंस को भरिए, आप कम स्कोर वाले हो आपके पास, हाँ आप सब्जेक्ट छाड़ दो, अब आप उर्दू, तमिल, तेलुगु, पाली मत भरो, क्योंकि आप ऑब्वियसली इन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ने वाले होंगे तो मत भरो, लेकिन आपके पास ये नहीं ऑप्शन है कि अब आप नहीं, हम हिस्ट्री ही चल लेंगे, ये ऑप्शन आपके पास थोड़ा ना है, आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स में कोशिश करोगे तब आपके पास जरूर ऑप्शंस बन रहे होंगे, आपके पास जरूर चांस बनेंगे। तो सब कुछ डिपेंड करता है काउंसलिंग प्रोसेस में किस तरीके के आप एक्टिव हैं, कैसे आप उन प्रोसेस को, उन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं जो बातें आपको समझाई और बताई जाएंगी। हर एक स्टेप पे मालवीय एकेडमी आपको गाइड करेगा और हर एक स्टेप का सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ये नहीं कि बस हवा में बस बोल दिए हैं ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना तो, लेकिन उसको करना कैसे ये किसी ने नहीं बताया, इसका हम आपको एकदम तो ना रिजल्टेंट दे देंगे कि यही है इसका रिजल्ट, बस इसको फॉलो कर लीजिए। अब हम आपके आके मोबाइल और लैपटॉप में आपकी डिटेल्स तो नहीं भरेंगे ना, वो तो आप भरोगे ना, वो तो आपको ही करना होगा,
लेकिन ये यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कैसे करना है, कब कौन सा आ रहा है, उसका नोटिफिकेशन देना, वो सारा जिम्मेदारी हमारी, वो हम कर देंगे। लेकिन अंततः करना तो आपको पड़ेगा ना। जैसे हम कितना भी पढ़ा दें, हर एक चैप्टर पढ़ा दें, नोट्स दे दें आपको, आपको क्वेश्चन करवा दें, सब कुछ कर दें, अंततः आपको पढ़ना तो पड़ता है ना, चीजें आपको याद तो करनी पड़ेंगी ना। सेम चीज इसमें भी आपके फॉलो होगी। इन्हीं सब चीजों को लेके हम लोग फिर बाकी आगे की वीडियोस में कोर्स वाइज जो है वो बातचीत करेंगे और हर एक स्टेप पे आपको गाइड करेंगे। बस एक ही बात मैं कहूंगा लास्टली कि आप लोग अगर आलसी नहीं बने काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान, अच्छी यूनिवर्सिटी आपको जरूर मिल रही होगी। पढ़ाई के दौरान आपने मेहनत नहीं किया चलेगा, अब काउंसलिंग के दौरान मेहनत कर लीजिए, अच्छी यूनिवर्सिटी आपको जरूर मिल रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।